मैं आपका दूसरा बेटा हूं। ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बाबर की माँ से कही। वही बाबर जिसकी हत्या उन्हीं के समुदाय के लोगों द्वारा सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि बाबर ने यूपी में बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी थी जो उनके समुदाय के लोगों को रास नहीं आई। घटना के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबर की माँ से फोन पर बात कर संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं आपका दूसरा बेटा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। बता दें कि बीते सोमवार 28 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में रामकोला थाने के एसओ डीके सिंह को पूर्व में ही लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके साथ ही डीआईजी गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ ने हल्का एसआई उमेश कुमार सिंह और सिपाही किशन यादव को भी निलंबित कर दिया था। ज्ञात हो कि कुशीनगर में रामकोला थाना क्षेत्र के कठघरही निवासी बाबर द्वारा बीजेपी के पक्ष में मतदान करने और बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटने से नाराज उनके समुदाय के लोगों ने ही पिटाई कर दी थी और इलाज के दौरान लखनऊ में बाबर की मौत हो गई। बाबर की पत्नी फातिमा की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों पर हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज किया था। बाबर की अंतिम यात्रा में मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक पीएन पाठक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।